सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में आपके देख लिए बेबी के लिए यहाँ पे सैंडल लेकर आए हैं, जो मैंने यहाँ जीरो जीरो से लेकर 3 मंथ के बेबी के लिए बनाई हुई है। और देखिएगा इसको मैंने कैसे बनाया, मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए, पहले हमने इस तरह का सोल बनाया है और इसकी लेंथ क्या है देखिए, ये 9 सेंटीमीटर है। और इसको मैंने कैसे बनाया, तो आगे बनाना हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी सैंडल। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखिएगा एक सोल बनाकर कंप्लीट किया हुआ है और दूसरा सोल हमें बनाना है। तो कैसे बनाया है, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिएगा 4 प्लाई का बूल लिया हुआ है, ये पिंक कलर का बूल है। और इसमें जो हम क्रोशिया इस्तेमाल करेंगे वो 3 नंबर क्रोशिया है। देखिए फर्स्ट लूप बनाएंगे तो इस तरीके से, यहाँ से ये ऐसे। हम 0 से लेके 3 मंथ्स के बेबी के लिए यहाँ पे हम ये बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 13 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 13 चैन बना लिया हमने। ये देखिएगा चौथे नंबर में यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, 1 और ये 2, डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये ऐसे। अब यहाँ से हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ऐसे करते हुए हम यहाँ पे 8 यहाँ पे क्रोशिया बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 7 बन चुके हैं, 1 ये 8, 8 डबल क्रोशिया बन चुके हैं ये हमारे। और आखिरी जो है यहाँ पे, उसमें हम बनाएंगे यहाँ पे देखिएगा डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे लास्ट वाले हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। कि हमने यहाँ पे 6 बार बनाया हुआ है। अब यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे डबल चेन बनाएंगे हम 8 बार, 1 2 3 4, ऐसे हमें 8 बार बनानी है। कि यहाँ पे 8 स्टिच हमारे बन चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया बनानी है हमें लास्ट वाले फंदे में, 1 2 3। ये 3 बनाने के बाद में लास्ट में देखिएगा, बिना अंटा लिए हुए हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे।
तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है, हमें इसकी चैन में से ही जॉइंट करना है ऐसे, और ये चैन है यहाँ से, देखिए सिंगल क्रोशिया लिया मैंने यहाँ पे, कोई अंटा नहीं लगाया, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया। तो ये वन राउंड बन के कम्प्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड बनाएंगे इसका हम। अब देखिएगा यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे और इसी में से हम एक बार, देखिए डबल क्रोशिया हमने बनाया, और इसके सेकंड चैन से भी फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर से इसी में, और ये दो, देखिए इस तरीके से ये दो दो बनाए हैं हमने। कि अगली चैन में भी हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया का मतलब इस तरीके से अंटा लगाकर एक ही चैन में हमें दो बार बनानी है। अब यहाँ से हम आठ बार बनाएंगे, देखिए चैन में से एक, दो और ये तीन, चार, ऐसे बनाते हुए जाएंगे हम डबल क्रोशिया। देखिएगा इस तरह की आठ ही कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ पे हम देखिए सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे, यानी कि एक ही चैन में दो बार, एक उसी चैन से फिर से निकालेंगे, दो, फिर से इसके बगल वाले होल से एक, दो, ये तीसरा है, चौथा, और यहाँ पांचवा, यानी कि इसमें हम एक ही घर में दो दो बार बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हुआ हमारा छठवा, छह फंदे में हमने यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, देखिए इस तरीके से आने के बाद अब आठ चैन में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, अंटा लेकर एक, दो, ये देखिए आठ बनाने के बाद हर चैन में एक एक, यहाँ पे देखिए एक एक चैन बनाने के बाद यहाँ से फिर से हम अगले तीन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी में से फिर निकालना, तो यानी कि दो डबल क्रोशिया हो गए हैं, और फिर से ये दो, और ये तीन, यानी कि तीन चैन में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया निकाला हुआ है। यहाँ से इसको हम जॉइंट करेंगे ऐसे, तो इस वाले चैन से हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे, तो उसमें हमने यहाँ पे कोई अंटा नहीं लगाया, इस तरीके से देखिए ये स्लिप नॉट है ऐसे। तो ये हमारे दो राउंड बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम तीसरा राउंड बनाएंगे, कि यहाँ से हमारा तीसरा राउंड, एक चैन बनाई और इसी में से हमने कोई अंटा नहीं लिया है, और देखिएगा इसी में से हमने एक इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर दूसरे में फिर से कोई अंटा नहीं लिया, इसमें हमने एक ही बार बनानी है इस तरीके से, और अगले होल में दो बार बनानी है। देखिएगा यहाँ पे हमने कोई अंटा नहीं लिया हुआ है ऐसे ही, एक और ये दो, अगले में फिर एक ही बार बनाएंगे, एक, नेक्स्ट इसमें भी हम दो बार बनाएंगे,
एक कोई अंडा नहीं लेंगे हम इसमें, और ये दो, एक बार और यहाँ पे देखिएगा, एक और यहाँ पे, एक बार ये बन गया और यहाँ पे ये दो, दो बार बनाया हमने। इसमें कोई अंडा नहीं लेना है इस तरीके से, ये देखिएगा। देखिए अब अगली चैन में हम, तीन चैन में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बिना अंटे की। तो देखिएगा, एक, दो, तीन, ये देखिएगा तीन बन चुकी हैं। अब अगले दो चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए हाफ डबल क्रोशिया मतलब ये तीन हो चुके हैं हमारे पास में, ये तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे, एक और ये दो, इस तरीके से ऐसे ये दो बना लिए हमने। अगले तीन चैन में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मतलब एक अंटा लगा लिया हमने यहाँ पे, और इसमें से इस तरीके से, एक से और ये दो और ये तीन, ये तीन डबल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। अब देखिए इसके बाद 12 चैनों में हम इस तरह का काम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक चैन में यहाँ पे डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से, फिर से तीसरी चैन में डबल, इस तरीके से चौथी में फिर से सिंगल, पांचवी में यहाँ पे डबल करेंगे ऐसे। एक में एक ही बार बनानी है और एक में दो बार बनानी है। ये पांच बन चुके हैं, इस तरीके से हमें 12 बनानी है। तो इसमें देखिएगा, एक सिंगल डबल क्रोशिया बनेगी इसमें, और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनेंगी एक ही हॉल में। तो ऐसे हम 12 बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इतना बनने के बाद जैसे कि हमने यहाँ से बनाया था बिल्कुल वैसे यहाँ से बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ये 12 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक में हमने एक, एक में दो, एक में एक, एक में दो, ऐसे करते हुए यहाँ पे 12 कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम तीन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन। देखिए अगली चेन के अंदर हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये सारे फंदे एक साइड निकाल देंगे हम, एक और ये दो, इस तरीके से। देखिए अगली चेन में यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया ऐसे, एक ही में से, और यहाँ पे दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से दो सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया और देखिए यहाँ से स्लिप नॉट, यानी कि ये हमारे पूरे राउंड बनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे ये दोनों सोल बनके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए ये उल्टे वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और सीधे वाले पार्ट हमारे आगे रहेंगे ऐसे। अब हम इनकी सिलाई करेंगे। बिल्कुल हमें चैन बाई चैन सिलाई करना है। ये पीछों को बराबर मिलाएंगे हम ऐसे, और देखिएगा
एंटा नहीं लगाना है हमें, स्लिप नोट से सिलाई करनी है हमें सिंगल क्रोशिया से बिना एंटे के। एक चैन से लेके दूसरे चैन में ऐसे बराबर चैन बाई चैन, ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे कोई अंटा नहीं लेना है हमें। बस हमें ये ध्यान रखना है चैन बाई चैन सिलाई करनी है हमें यहाँ से, ये देखिए ऐसे। तो हमने दोनों सोल सिलाई कर लिए हैं, देखिएगा इस तरीके से पूरे अच्छी तरह से। और हमने ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो पतला था, ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर का है, ये गोल वाला हिस्सा है पंजे तरफ का है, और ये एड़ी तरफ का है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 22, ये देखिए इस तरह की ये चैन गिनते हुए यहाँ पे 22 चैन गिन के यहाँ पे हमने मार्कर लगाया हुआ है। और यहाँ से हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे पीछे का हिस्सा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से हमने ये मार्कर डाला हुआ है वहीं से हम अपनी क्रोशिया का हुक डालेंगे इस तरीके से। अभी ये थोड़ा सा मोटा हो चुका है क्योंकि ये दो पीस हो चुके हैं इसमें, तो यहाँ से हम इसमें अपना हुक डालेंगे इस तरीके से ऐसे, और इसको अपने फिंगर पर लपेटेंगे। अब देखिएगा एक चैन बनाएंगे, फिर से इसी में हम एक रोप डालेंगे, इसमें हम दो बार बनाएंगे देखिएगा। यहाँ से जितने भी यहाँ ये हॉल हैं यहाँ से हमने सिलाई की हुई थी, यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बिना अंटा दिए हुए सब में से ऐसे। ऐसे 21 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ से इसी तरीके से फंदे उठाते हुए। हमने ये 22 फंदे बना लिए, एक राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। अब एक चैन बनाएंगे ऐसे, और फिर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिएगा इस तरीके से। ये देखिए वो हमें इतने फंदे हैं, 22 फंदों में ही हमें ये इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा सेकंड राउंड है, देखिए चैन बाई चैन हमें ऐसे बनाते हुए जाना है बिना अंटा लिए सिंगल क्रोशिया। तो पूरा हम यहाँ तक फिर बना लेते हैं, राउंड भी बन चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक हमने चैन बनाई और यहाँ पे देखिएगा हम ए वाला जिसमें से हमने चैन बनाई ए वाला हॉल छोड़ देंगे हम, दूसरे वाले में से फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये तीसरा राउंड है देखिएगा, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 21 चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, इस तरीके से पूरा बना लेते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पे ये तीन राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे का हिस्सा बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 15 चैन बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 चैन हमने बनाई हुई हैं। देखिए एक चैन छोड़ के सेकंड चैन से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, एक एंड तक हमें इस चैन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 15 सिंगल चैन बना ली है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से जो 21 फंदे हम यहाँ पे बना रहे थे उनमें से फिर से हमें ये देखिए सिंगल क्रोशिया लेनी है, 21 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ऐसे
देखिए यहाँ पे हमारे चार राउंड बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ से एक चेन और एक ये चेन वाला हिस्सा यहाँ से छोड़ के दूसरे से हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। और ये पूरी यहाँ तक बनानी है, इस पट्टी तक जो हमने यहाँ पे पट्टी बनाई हुई पूरी एंड तक ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक चेन बनाई, चेन के बाद हमने ये वाला एक होल छोड़ दिया, दूसरी से हमने ये बनाना शुरू किया यहाँ से सिंगल क्रोशिया ऐसे। ऐसे करते हुए यहाँ पे हमें पांच राउंड बनाने हैं, यहाँ पे पांच हो जाएंगे और यहाँ पे पूरे आठ राउंड बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। एंड पे हमें यहाँ पे एक चेन लेते हुए ये फंदे निकालने हैं, फिर यहाँ से फिर से एक चेन लेंगे, फिर ये फंदे पूरे हमें यहाँ तक निकालने हैं। ऐसे ही करते हम इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए ऐसा कम्प्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने ये गिनेंगे, यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये देखिएगा सात फंदे हमने यहाँ पे पीछे छोड़ दिए हैं और इसको हम यहीं से अटैच करेंगे ऐसे। इसको उल्टा करेंगे, देखिएगा ऐसे लेते हुए हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे ऐसे और इसको हम सिलाई करेंगे। देखिए चेन बाई चेन हमें सिलाई करनी है, यहाँ से देखिएगा ये और ये सिलाई हमें बहुत सफाई से करनी है। देखिए दोनों चेनों को हमें ऐसे ऐसे और ऐसे इधर से देखिए पूरा सिल चुका है। देखिए इस तरीके से ये पूरा सिल चुका है। यहाँ पे हम अच्छी तरह से नोट लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। फिर से एक लूप बनाएंगे हम इस तरीके से, धागा को लपेटेंगे और ये ऐसे और यहाँ पे हम 17 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये 17 चैन हमने बना ली हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एक चैन को छोड़कर हम दूसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सारी चैन में हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए सिंगल क्रोशिया मतलब हमें अंडा नहीं लगाने हैं, ऐसे ही हमें ये सिंगल क्रोशिया पूरे एंड तक बनानी है। देखिएगा ये बन चुकी है। अब हम यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, सॉरी एक चैन लेंगे ऐसे, उसके बाद में एक छोड़कर दूसरे हॉल से फिर से बनाना शुरू करेंगे और हमें ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे पाँच राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे ऐसे ही।
और जब इधर से भी जब लौटेंगे तो एक यहाँ पे चैन बनाएंगे, तब एक फंदा छोड़कर फिर यहाँ पे फिर से हम ऐसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 5 लाइनें बना ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। देखिएगा यहाँ से भी हम 7 चैन यहाँ पे छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे 7 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े थे, 7 ही हम यहाँ से छोड़ देंगे और इसको हम अटैच करेंगे यहाँ से। इसको हम यहाँ से ऐसे अटैच करेंगे। देखिएगा चेन बाई चेन हमें इसकी सिलाई करनी है। कि फ्रेंड्स ये सैंडल बनके कंप्लीट हो चुकी है और ये सीधे पैर की बनी हुई है। और दूसरे पैर की किस तरीके से बनानी है मैं आपको यहाँ इसको सेकंड पार्ट में समझाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं अच्छी तरह से आपको इसमें सेकंड पार्ट से समझा दूंगी कि हमें दूसरे पैर की कैसे बनानी है। सो फ्रेंड अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक लीजिए, बाय।